लोकसभा चुनाव है और ऐसे अहम इलेक्शन में वक्त जो है इंडिया लाइन पूरी तरीके से एनडीए के खिलाफ है, ऐसे अहम वक्त में आप इलेक्शन लड़ रहे हो, कैसे देखा जा रहा है? भाई सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इलेक्शन कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, मेरा कोई इलेक्शन लड़ने का है। मुझे मालूम है कि एमपी इलेक्शन बहुत बड़ा होता है और मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा जो इलेक्शन लड़ के। मैं बताना चाहता हूं कि 2019 में मेरे ऊपर जो केस हुआ था, उसके बाद मेरे पर केस होके मैं अंदर गया था, उसके बाद 2021 को मेरे को नोटिस दिया था गवर्नमेंट की तरफ से, कमीशन सेंट्रल की तरफ से मेरे को नोटिस आई थी। अपने को नोटिस आई, इसमें डेट भी है, अगस्त को आई थी, 16 अगस्त को मेरे को लेट ये आया था नोटिस आई थी कि मेरे को बैंड करे, और मुझे ये इसकी इल्मी नहीं था कि मुझे बैंड क्यों करा गया। जब मैं अंदर था, जब मैं वो चीज़ में अंदर था, जब केस में मैं अंदर था, उसके बाद में इन लोगों ने मुझे बैंड किया है, और बैंड करने के बाद मेरे को ना नोटिस दिया है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस आई, ना मेरे घर से कोई नोटिस आई, ना मुझे अंदर कोई नोटिस आई है। उसके बाद मुझे इन लोगों ने बैंड करके बताया गया कि उनको बैंड किया, और मुझे मालूम ही नहीं है कि बैंड नहीं, अपोजिशन को सब मालूम है कि मेरे को बैंड करा गया। सूत्रों के अनुसार मुझे मालूम पड़ा कि मेरे को बैंड किया था, मतलब ये करो तो क्या करो। उसके बाद दो जैसा लोकसभा 3 महीने से कलेक्टर के पास भाग रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सर मेरे को बैंड किया, आपने क्यों बैंड किए? तो मेरे को पता है ऐसा था, हम लोग ने बैंड किया, सेंटर की तरफ से बैंड हुआ है, आप उधर देखो करके, मतलब सेंटर के पास कौन सी एजेंसी के पास है, कौन से डिपार्टमेंट में किया? तो मेरे को उनको बोले हमारे पास नोटिस नहीं, कोरोना के टाइम पे मिस मैच हो गया था पेपर वगैरह, मतलब अच्छी बात है। सिराज जी ऐसा क्यों हुआ? तमाम और उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर में आरोप लगाए गए हैं, उनके ऊपर में केसेस रहे और उनके ऊपर बैंड नहीं लगाया गया, एक आप ही के ऊपर में बैंड लगा। ये आप लोग सब जानते हैं कि वो टाइम पे भी मैं इलेक्शन 2019 में इलेक्शन में खाली फॉर्म भरा था, 3 तारीख को फॉर्म भरा हो और 5 तारीख को मेरे ऊपर एफआईआर हो गया था। और ये बार भी आप देखिए मेरे को बैंड इसलिए लगा रहे कि उन लोग चाहते नहीं कि मैं कोई भी इलेक्शन लड़ूँ, उन लोग चाहते नहीं कि मैं कोई भी इलेक्शन लड़ूँ, क्योंकि मैं गोंडी के अंदर हमेशा विकास किया हो, गोंडी के लिए काम किया हो, गोंडी के लिए हर एक को काम किया हो जो गोंडी के लिए बेहतर हुआ। आप लोग देख सकते हो या डंपिंग हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, एक रुपये एम्बुलेंस था, 1 रुपये में शादी, जो शादी आज 70-80 हज़ार रुपये देना पड़ता है, आज 1 रुपये में शादी गोंडी में शेख मोहम्मद सिराज किया था। यहाँ पे कोई खासदार नहीं किया, यहाँ पे कोई एमएलए नहीं किया, यहाँ पे कोई नगर सेवक नहीं, मैंने किया था, मेरा अल्लाह कराया था, मेरे जो भाई लोग हैं, मेरे सब दोस्त लोग थे, जो हम लोग ने जिन्होंने मुझे जीत के लेके आया, उनकी मेहनत की वजह से हमारा एक मकसद था कि लोगों के लिए काम अच्छा हो और डेवलपमेंट हो। जैसे मैंने गार्डन बनाया, शहीद स्मारक बनाया, और डंपिंग के लिए, आज डंपिंग के अंदर धुआं क्यों नहीं उठता है बताओ? पहले धुआं इतना उठता था, रफी नगर में आप ही रहते हैं तो सब कितना धुआं उठता था। मैं अनशन पर बैठा जब से डंपिंग का उसके ऊपर दीवार बनी, उसके ऊपर जब केमिकल आने वाला उसमें एक्शन हुआ, अब क्यों नहीं धुआं उठता? सिराज शेख जी एक तरफ आप अपने आप को सियासत का शिकार बता रहे हो, दूसरी तरफ वहीं आपने आपके भाई का भी नामांकन भरा था, उस पर आपका क्या कहना? आपको बीजेपी की तरफ से पैसे लेकर खड़े हुए इस तरीके के आरोप भी लोग